Thank you for being here on my channel. You are watching the English Spoken Hub. My name is Satendra Rawat, and today I brought a very awesome and very interesting phrase amongst you guys. So आप इसको इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश में और भी चार चांद लगा सकते हैं, ठीक है। आके हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीखने वाले हैं लीव नो स्टोन अनटर्न का यूज़। ओके, किसका यूज़? लीव नो स्टोन अनटर्न का यूज़। तो मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ इस स्ट्रक्चर के बेस पे, सब्जेक्ट प्लस लीव नो स्टोन अनटर्न टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, कोई कसर ना छोड़ना, इसकी हिंदी मीनिंग है, इट मीन्स कोई कसर ना छोड़ना। ओके, सो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से आप इस स्ट्रक्चर को बखूबी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर उसके बाद आप अपनी राय बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, पहला स्ट्रक्चर देखेंगे, पहला एग्जांपल देखेंगे, वह मुझे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। He leaves no stone unturned to beat me. पीटने में ओके, He leaves no stone unturned to beat me. To beat, it means first form of the verb. To beat, first form of the verb. It is infinitive verb. ओके, पीटने में। सो ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू बीट मी, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस रिलेटेड टू दिस हिंदी। ओके, ताहे से आप समझते हैं, इसलिए मैंने इस फॉर्म को एस के साथ कंप्लीट किया है। ये एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल है, बेसिक सा रूल है, जहाँ पे आप ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वर्ब में, वो भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम पास्ट इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, हम पास्ट इंडिफिनिट में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड को। सीता ने उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीता लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू डिफेम हिम। सीता लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू डिफेम हिम। लीव लेफ्ट, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है लीव की? लेफ्ट। थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब लास्ट देखेंगे, मैं उसे हराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू डिफीट हिम। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और कॉमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस का भी मुझे जवाब दें, आप बना के, आप फ्रेम करके, मैंने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़े, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। थैंक यू।